नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री और विधायक नफीस अहमद विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर द्वारा लगातार क्षेत्र का तूफानी दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में विधायक मोतिकापुरा में राजू यादव कोटदार के बाबा देवरा तुर्कचारा में ही सिंटू यादव के चाचा जी व सतीराम यादव के लड़के, कौवापुर में बहाऊ यादव के भाई, मोतीपुर में रामाकांत यादव के बाबा, देवरा हरकपुर रायमसरा के पिता अनवर भाई के पोते की मृत्यु होना बहुत दुखद बताया और कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे व शोकाकुल परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ग्राम सभा शिवपुर में कैश भाई की लड़की अस्वस्थ चल रही है, उन्हें देखने आनंद अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य की जानकारी ली और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना। साथ ही विधायक रामसभा गोसाईपुर में ब्रजेश सिंह व महाराजगंज में जंग बहादुर यादव के घर मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हुए और आज विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर विधानसभा में प्रातः भ्रमण के दौरान सेहरा सिठारी में सुंदर यादव प्रधान के घर जाकर मुलाकात की। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर के क्षेत्रीय महामंत्री व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भेजे पत्र में जहानागंज थाने पर तैनात दो पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए लिखा है कि जहानागंज थाने के SI योगेंद्र पाल व घनश्याम यादव बहुत ही भ्रष्ट व निरंकुश हैं। ये लोग खुलेआम धन उगाही करते हैं जिसकी क्षेत्र में हमेशा चर्चा रहती है, इसमें आपकी व सरकार की छवि धूमिल होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सूत्रों द्वारा जानकारी कर उचित विभागीय कार्रवाई करने की कृपा करें। आइए सुनाते हैं कि भाजपा नेता आनंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा। जहानागंज थाने में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इस पे क्या कहना है? आप एक गोरखपुर के क्षेत्रीय महामंत्री हैं भाजपा सरकार में, तो कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी हो रही है, उसी के साथ योगी सरकार की भी किरकिरी हो रही है, इस पे क्या कहना आपका? योगी सरकार की किरकिरी जो आपने बताया है, सरकार की किरकिरी हो तो रही है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विपक्षियों की बहुत बड़ी साजिश है, जो सरकार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें जहानागंज पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका ये है कि जमाने से हमने सुनते आया है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो जहानागंज पुलिस जो है और खास करके यहाँ के एक दो दरोगा ऐसे हैं जो बहुत ही भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, केवल धन उगाही करने की बात करते हैं, पुलियों और चौराहों पर मोटरसाइकिल वालों को परेशान करना एक इनका इनकी दिनचर्या बन गई है और केवल वहां बैठ करके 100 200 500 रुपए की वसूली करते हैं, दलालों को बैठा करके घूमने का काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही अच्छे SSP महोदय आजमगढ़ को मिले उसके बाद भी ये लोग कानून को और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के एक दरोगा जो योगेंद्र पाल हैं, पूरा माहौल ये चर्चा में रहता है कि बहुत ही भ्रष्टाचारी दरोगा है योगेंद्र पाल, एक दो और स्टाफ यहाँ हैं। मैं इस जहानागंज की घटना पर आदरणीय SSP महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि इस जहानागंज की घटना पर आप स्वयं खुद संज्ञान लेकर के अपने स्तर से विश्वस्त सूत्रों से इसकी जानकारी करके इस पर कार्रवाई करें और इसका जल्द से जल्द खुलासा करें। दो दो लूट हो गए, इसके बाद पुलिस ने PRB ने एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को पीट दिया, इस पे क्या करना? नहीं, उस पे PRB वालों ने तो बहुत गलत किया, डायल 100 ने वहां पे बहुत ही गलत किया, उस वो विक्षिप्त मानसिक आदमी है, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने हमने भी पता किया तो ये पता चला उसने डायल 100 को केवल हाथ दे दिया, जो उसकी एक दिनचर्या वो पागल आदमी है, वो विक्षिप्त आदमी है, तो उसको इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन लोगों ने गलत किया है, बहुत मार उसको मारी है, तो इसलिए इसको प्रशासन और हमारे SSP महोदय इन लोगों को तत्काल कार्रवाई करके सस्पेंड करने की कृपा करें। चुनाव नजदीक है और पुलिस की इस हरकत से सरकार की बदनामी हो रही है। जी, सरकार की बदनामी हो रही है, इसी नाते मैं चाहता हूं अपने जिले के बहुत ही तेज तर्रार होनहार कप्तान महोदय से इस सारी घटना
जिला एकीकरण समिति की एक बैठक आजमगढ़ के नेहरू हॉल में संपन्न हुई, जिसमें समाज में भाईचारा एकता कैसे बने रहे इस पर विचार किया गया। यह कमेटी सामाजिक समरसता के लिए जानी जाती है और इसकी बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। बैठक में लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार हुआ, जिसमें लोग शिक्षित के साथ ही इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव और निजामाबाद विधानसभा के विधायक आलमबदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सर क्या कार्यक्रम रहा? जैसे कि आज एकाकरण की मीटिंग रही है। एकाकरण मीटिंग जो हमारे नेशनल मीटिंग होती है भारत की, और इसमें पुराण शहीद लोगों को, पुराण विद्वान लोगों को हम लोग यहाँ पर उनके विचारों को रखते हैं। इसके लिए हम लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि इसमें पुराने बुज़ुर्ग लोग, विद्वान लोग और नए जवान साथी इसमें सम्मिलित हों, ताकि आने वाले समय में भाईचारा, समाज में एकता, समाज में शांति कैसे बहाल रहे, इसके लिए हम लोग इस पर विचार करते हैं। जैसे अपनी अभी पुस्तक के बारे में कहा, जैसे लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं है, तो उसके लिए कैसे क्या? जैसे कि लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें नहीं मिलती हैं, इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ एजेंडा रखा गया कि लाइब्रेरी में पुस्तक की कमी ना हो, कि जो नौजवान साथी, जो लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, अगर वो इस किताबें नहीं पाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। तो आज इस एजेंडे में फैसला लिया गया कि पुस्तकें कैसे आएंगी। जल्द ही हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि समय से ही कुछ दिनों में, आज अगली मीटिंग होने से पहले पहले, कि लाइब्रेरी में पुस्तकें पहुंच जाएं। आज सर क्या कार्यक्रम रहा? ये जिला एकाकरण कमेटी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, उसकी मीटिंग है। इसमें समाज में आपसी भाईचारा, मेल मिलाप, ये सब बढ़ाने का काम जो है ये कमेटी के जिम्मे रहता है। तो कमेटी अपनी जो कुछ मौजूदा कैफियत है उसको बढ़ाना चाहती है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो इस काम के लिए हमारे सहायक बन सकते हैं, हमारे अगुवाई कर सकते हैं, ऐसे समाज में लोग हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस कमेटी का जो दायरा है वो बढ़े, कि इसका जनता तक भी पैगाम जा सके। समझिए, हाँ, कि एकाकरण क्या होती है। एकाकरण तो वैसे भी समाज में देख रहे हो, एक ही धर्म के लोग हैं, अलग अलग बिरादरियाँ हैं, लेकिन क्या कितना भाईचारा के तौर पर रहते हैं, है? तो वो पूरे मुल्क में ये बात पैदा हो तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज में भाईचारा रहेगा तो कोई टकराव नहीं रहेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, उनके बच्चे भी समझेंगे कि एकाकरण कोई अच्छी चीज़ है, तो वो भी अच्छे इंसान बनेंगे, हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग लगे थे उन्हीं का ये ख्वाब है कि देश में एकाकरण बना रहे, उन्हीं लोगों ने ये प्रोग्राम बनाए हैं कि देश में एकाकरण चलता रहे। तो प्रयास अपने लोगों का है कि एकाकरण जिले के अंदर मजबूत भाईचारा बनाए रहे। हाँ, के जैनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बखालिस बाजार में बाइक और टैंकर की आपस टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अजीत व पंकज गांव निवासी महावतगढ़ से दो लोग बाइक सवार से होकर आजमगढ़ की तरफ आ रहे थे कि बखालिस बाजार के पास आजमगढ़ की तरफ से आ रहे डंपर से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार अजीत कुमार पुत्र विभूति राम निवास महावतगढ़ कोतवाली जैनपुर, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पंकज को भी हल्की चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने आनन फानन में उसे जैनपुर स्थित एक निजी अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। तहसील मुख्यालय में अधिवक्ताओं ने आज फिर एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे तहसील परिसर में घूमकर विरोध जताया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि हम लोग एसडीएम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनका जनपद से बाहर स्थानांतरण किया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र को कल सीएम को देकर भी अवगत कराने का प्रयास किया है। हम लोग धरना प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता। हमारी मांगों पर यदि विचार नहीं किया गया तो अधिवक्ता संघ बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सर कैसा विरोध हो रहा है, किस लिए? एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, उनके बदतमीजी पूर्ण व्यवहार के लिए विरोध है। सर काफी दिन से ये चल रहा है। हाँ, यह तो है, 26 अक्टूबर चल रहा है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उनको इस जिले से बाहर कर दिया जाए। कई बार मांग उठी है, लेकिन क्या हुआ उसमें? हमने अपनी यह मांग
इस उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च संस्था तक जितने भी उचित फोरम है हर जगह अपने हमने लिख के दिया है, प्रोटेस्ट किया है, और यहाँ तक कि हमारी बार काउंसिल जो है वो हमारे साथ यहाँ अभी धरना भी देने वाली है। या तो यह कार्रवाई होने तो पूरे प्रदेश में वह उपद्रव होगा, इस प्रशासन को संभलते नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री जी आज कल हमने उनको मिलके उनको ज्ञापन दिया गया, जब तक कार्रवाई नहीं होती ऐसे ही चलेगा। हाँ, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग उनको यहाँ बैठना दूभर कर देंगे, वो यहाँ बैठ के कोई काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी खबर है जहां लापरवाही पर एसपी ने डायल 112 के दो सिपाहियों को सस्पेंड करने के बाद क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। उससे पहले बता दें कि आजमगढ़ में कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही, उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरतने पर आरक्षी रंजीत कुमार और आरक्षी श्याम प्रकाश यादव को निलंबन कर विभागीय जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, सुनिए। जनपद आजमगढ़ में दो प्रकरणों में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जिसमें पहले प्रकरण में आरक्षी रंजीत कुमार, ये यूपी 112 पे तैनात है, इनकी ड्यूटी लगी थी रात्रि में और ये रात्रि चेकिंग के दौरान एसपीआरए के द्वारा चेक किया गया तो सोते हुए पाए गए पेट्रोल पंप पे, और लापरवाही ड्यूटी के दौरान इनके द्वारा बरती गई, इस वजह से इनको सस्पेंड किया गया है। दूसरे प्रकरण में आरक्षी श्याम प्रकाश, इनकी ड्यूटी लगी थी, ये भी डायल 112 में इनकी ड्यूटी थी और जहाँ पर इनकी ड्यूटी थी उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक चोरी की घटना घटित हुई। अगर ये अपनी ड्यूटी पे अलर्ट रहते और इनके द्वारा रात के टाइम अलर्टनेस रखी जाती, 112 की गाड़ी का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता तो ये घटना प्रिवेंट की जा सकती थी। इसमें दोनों में गजेटेड अफसर से जांच कराई गई जिसमें इनकी लापरवाही परिलक्षित हुई और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने में इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। जो भी पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार की ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और जो पुलिसकर्मी अच्छा कार्य करते हैं, जो क्राइम प्रिवेंशन में, डिटेक्शन में, अपराधियों की धरपकड़ में अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको पुरस्कृत कराया जाएगा। और रानी किसराय पुलिस ने आज एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर एक वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि 6 दिसंबर को आवेदका थाने रानी किसराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर लिखित दर्दी का अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र श्यामजी निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी किसराय जनपद आजमगढ़ ने मेरे साथ मारपीट तथा छेड़खानी की। आवेदका के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आज पुलिस ने पार्कसेट में बना प्रदीप यादव उर्फ गोलू पुत्र श्यामकाजी निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी किसराय आजमगढ़ पंजीकृत किया गया और आज उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। और आजमगढ़ में एसपी के निर्देश पर मेहनगर पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में बता दें कि 6 दिसंबर को महेश गोंड पुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल गोंड साकिंग वार्ड नंबर 10 हरिवंश नगर कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना मेहनगर पर लिखी तहरीर की अभियुक्तगण द्वारा मुकदमेबाजी की रजिस्ट को लेकर मेरे घर पर पहुंचकर दरवाजा का पर्दा तोड़कर घर में घुस गए और घर की औरतों का बाल पकड़कर धक्का मुक्की के साथ गलत दुर्व्यवहार किया एवं मेरे भाई अनुरोध गोड़ को घर में घुसकर वह भीम गोड़ को बाहर ले जाकर मारा पीटा व प्राणघातक हमला किया। इस मामले में तहरीर देकर आज पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने सिद्धू सोनकर, अरविंद सोनकर, जोगिंदर सोनकर और रवि सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मरीजों के दृष्टिगत जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपील किया कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं एवं सामाजिक दूरी का पालन करें, अपने घरों के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने मोहल्ले तथा ग्राम में किसी भी ऐसे व्यक्ति जो विदेश यात्रा करके आए हों अथवा ऐसे व्यक्ति जिसे कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार का लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि हो तो उसकी सूचना ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी के माध्यम से वीडियो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एसटीएम को अवश्य अवगत कराएं। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है जहां क्षेत्र के भोराजपुर कला में स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय का मंगलवार सारी व्यवस्थाओं के साथ जनता की सेवा के लिए चालू कर दिया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव तथा एडीओ पंचायत अश्विन कुमार यादव ने फीता काटकर किया। विशिष्ट अतिथि एपीओ अतरौलिया मौजूद रहे। यह ब्लॉक क्षेत्र का पहला गाँव है जहाँ सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने ग्राम पंचायत सचिवालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने पूरे सचिवालय परिसर का धूमधाम घूम कर जायजा लिया। आइए सुनाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा।
किया है, इसके बारे में बता दीजिए। और आपके कार्यकाल में कई ऐसे काम हुए हैं, उसके बारे में संक्षेप बता दीजिए। ये मिनी सचिवालय का उद्घाटन तो बहुत पहले हो चुका था और अतरौलिया की महान जनता के कारण हमको ये सौभाग्य प्राप्त है कि इसके शिलान्यास से लेकर उद्घाटन से लेकर भी मैं प्रमुख रहा, शिलान्यास में भी रहा और आज इसका कायाकल्प हो रहा है तो भी मैं यहाँ का ब्लॉक प्रमुख हूँ और इसके लिए मैं अतरौलिया की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने 40-45 वर्षों से लगातार हमारे परिवार के ऊपर जो विश्वास किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिए हुए विश्वास पे दिन प्रतिदिन खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप और विकास के बारे में जानना चाह रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में हमारे ब्लॉक के करीब 55 से 56 कार्य का टेंडर निकला है और मैं आपको विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि शायद बहुत ही कम ऐसे ब्लॉक होंगे जहाँ हर क्षेत्र पंचायत सदस्य के मान सम्मान के साथ उनके प्रस्ताव पे काम स्वीकृत हुआ है। यहाँ न कोई ठेकेदारी प्रथा की स्वीकृत हुई है, न क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अतिरिक्त किसी का काम स्वीकृत हुआ है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का काम स्वीकृत हुआ है। और गांव में मैं अगर गया, कुछ लोगों ने जनहित के काम बताए, वो काम स्वीकृत हुए हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ कि जिन जगहों पर क्षेत्र पंचायत के द्वारा खड़ंजा का निर्माण हो रहा है 2022 में, निश्चित रूप से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और डॉक्टर संग्राम यादव की उसमें जबरदस्त जब भागीदारी होगी तो वो जो खड़ंजे होंगे निश्चित रूप से वो सीसी रोड में तब्दील होंगे और हमारी जो जर्जर सड़कें हैं 5 साल से कहीं रोलर देखने को अतरौलिया के लोग तरस गए, काला धुआं नहीं देखे, वो सब का हिसाब किताब बराबर करके आने वाले समय में 2022 के बाद पुनः आया अतरौलिया जिस तरह से शौचालयुक्त जिला चिकित्सालय का निर्माण हुआ, समदी में डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ, हमारे मकराहा में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ और सुल्तानपुर में जो हमारा मूक बधिर विद्यालय बना। हम आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं कि और जगह का फीता तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री काट ही रहे थे, जो आप देखे ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि जो मकराहा का हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको बाबा बेचने के बाद कल उद्घाटन किए हैं और हमारे जो सुल्तानपुर करमैनी का मूक बधिर 26 करोड़ रुपए का माननीय अखिलेश यादव ने विद्यालय स्वीकृत किया। बहराइच में चौरसिया महासभा आजमगढ़ तत्व अवधान में एक प्रतिनिधिमंडल बहराइच के नवाबगंज थाना से अपहरित चौरसिया समाज की बच्ची लक्ष्मी की बरामदगी के संदर्भ में ज्ञापन आजमगढ़ जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया गया कि जल्द से जल्द अभियुक्तों के साथ बच्ची को बरामद नहीं किया गया तो चौरसिया महासभा बहराइच पुलिस अधीक्षक का घेराव करेगा। वो 19 तारीख से लापता है और बेटी के परिजनों ने ये नामजद FIR किया है कि 14 लोगों के खिलाफ कि इन लोगों ने हमारी बेटी को अपहरित किया हुआ है, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस संबंध में हम लोग यहाँ जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को एक ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारी सुनवाई हो और चौरसिया समाज के साथ जो भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं वो न हो और अगर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं हो जा भी रही हैं तो सरकार जो इतना पीड़ित परिवार के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है इसे हम लोग बहुत आहत हैं। चौरसिया समाज पूरा आहत है और इस तरीके की घटनाएं बार बार न हों उस पर सरकार जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही करे इस संबंध में हम लोग उपस्थित। आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय कलेक्टर कचहरी आजमगढ़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 65वां पर निर्माण दिवस उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर बनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि बाबा साहब 32 डिग्रियों और 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया और विज्ञान और तकनीक के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि बाबा साहब का सरनेम सकपाल था। और क्या कुछ कहा सिमोन शिल्पकार ने, सुनिए।
मेरा नाम श्री मोहन सिलकार है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा में पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम आज है? आज देश के महामानव बौद्ध सत्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का 65वां परिनिर्वाण दिवस लोक जपा पार्टी कार्यालय पर मनाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन काल की चर्चा की गई है। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का आज हमारे साथी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो भी युवा साथी हैं आज हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने उसका संकल्प लिया है कि बाबा साहब का मिशन को हम लोग करेंगे पूरा। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ भी सदा स्मरण बाबा साहब की करती रहेगी, क्योंकि हमारे आने वाले वंशज भी इनके ऋणी होंगे। आज एक मत का अधिकार जो उन्होंने दिया वो समाज में हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बदौलत हम लोग यहाँ का राजा का चयन करते हैं। रानी का पेट से नहीं, राजा के पेट से, राजा की बदौलत नहीं, इस बलेट बैग्स और ईवीएम मशीन से हम लोग राजा चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है, जिससे आज बहुत से अपने देश में उस महानायक के बाद अनेक नायक पैदा हुए, जैसे रामविलास पासवान भी पैदा हुए। देश में वंचित शोषित वर्ग के लिए कुछ करने का हौसला उन्हें दिखाया, जैसे कांशीराम साहब पैदा हुए, अन्य नेता गणमान पैदा हुए जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किए। मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ जो समाज के लिए दुख करने का काम किया। हम जैसे लोगों को आज बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, अपने अधिकार को प्राप्त करने का अवसर मिला है, जो बाबा साहब की देन है। हर साल हम लोग इनकी परिनिर्वाण दिवस और जयंती मनाते हैं, आगे भी मनाएंगे और इनकी बताई नीतियों पर चलकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी। आजमगढ़ से खबर है, जहाँ डॉक्टर राम आशीष सिंह आपकी अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसी संकल्प के साथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्षरत संगठन अटेवा के तत्वावधान में जिला मुख्यालय स्थित डीएबी इंटर कॉलेज की श्रद्धांजलि सभा एवं पेंशन संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के संरक्षक झिनको यादव तथा विद्या सागर ने संचालन किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अटेवा आजमगढ़ के अटेवा के प्रदेश मंत्री विजय प्रताप यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के न्याय युद्ध में 7 दिसंबर 2016 को लखनऊ के विधानसभा घेराव के दौरान डॉक्टर राम आशीष सिंह ने अपनी जान की बाजी लाकर संघर्ष की अलग अलग अलख जगाई। स्वर्गीय डॉक्टर राम आशीष सिंह पेंशन आंदोलन में पुलिस लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे। हम सबके लिए अत्यंत हृदय विदारक और शनिय घड़ी थी। अटेवा के जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि आज हम सब अपने पेंशन सहित साथी को सदा सुमन अर्पित कर रहे हैं तथा पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष का संकल्प ले रहे हैं। आजमगढ़ में कल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बात, सपा का झंडा उसमें कोई जाना पहचाना गुंडा नजर आता है। इस बात पर समाजवादियों ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो जैसा रहता है वैसा ही सोचता है। योगी और उनकी सरकार के कई मंत्रियों पर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई वर्तमान मुख्यमंत्री अपने ऊपर ही लगे संगीन आपराधिक मुकदमों को वापस लिया हो, पहले अपने गिरेबान में झोंके। क्या कुछ कहा हवलदार यादव ने, सुनिए। आज ये प्रेस वार्ता कल हमारे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए थे और जैसा उन लोगों का कहना है कि कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किए। शिलान्यास लोकार्पण के बहाने वह चुनावी जनसभा करने आए थे। एक बात उन्होंने कहा कि सपा का झंडा माने उसमें कोई न कोई अपराधी होगा, सूप हंसे सूप चलनिया हंसे जकरे 72 छेद, ये कहा सुनेंगे नहीं, सूप हंसे सूप चलनी हंसे जिसके पास 72 छेद। मुख्यमंत्री स्वयं इनके ऊपर कई मुकदमे हैं, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य के ऊपर मुकदमे हैं, इनके केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर मुकदमे हैं, इनके गृह राज्य मंत्री जो हैं अभी किसानों को के ऊपर दौड़ा करके गाड़ी चढ़ा करके मार डाले, उनके भाषण में आया है कि हमको मंत्री मत समझिए, हमको अब एमपी मत समझिए, हम जो पहले थे अगर उस पर आ जाएंगे तो ये आपका आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। अब इससे बड़ा गुंडागर्दी की बात करने वाला
किसी पार्टी में तो हमने नहीं देखा। तो ये स्पष्ट है कि गुंडे इनकी गाड़ी में चलते हैं, गुंडों की पताका भारतीय जनता पार्टी की झंडा है और उसमें उनके मंत्रिमंडल में से लगाया केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने अपराधी मंत्री हैं यह सब लोग जानते हैं। वह बार बार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी मीटिंग में गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों की समस्या, आज खाद नहीं मिल रही है उसके बारे में, आज जो विकास काम अवरुद्ध हैं उसके बारे में कभी बुलडोजर चलाने की बात नहीं कहते। गरीबी पर कब बुलडोजर चलेगा, महंगाई इतनी बढ़ गई इस पर कब बुलडोजर चलाएंगे, बेरोजगारी इतनी बड़ी। बलिया जनपद में एसपी के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें धोखाधड़ी कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा नीतीश कुमार गुप्ता के खाते से निकाली गई संपूर्ण धनराशि 11,298 रुपये को साइबर सेल बलिया द्वारा उनके खाते में वापस कराया गया। थाना पकड़ी पुलिस ने 304 भादवी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना हल्दी जनपद बलिया पुलिस द्वारा गौवंशीय पशुओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दो अभियुक्तों धर्मेंद्र सिंह पुत्र राज नारायण सिंह मूल निवासी ग्राम खलीसापुर काकराकापुर पोस्ट गुम्मा थाना जंगीपुर जिला गाजीपुर हालपता निवासी बड़सर राजापुर थाना बिरनो जिला गाजीपुर व योगेंद्र यादव पुत्र रामसूरत यादव निवासी अराजी उड़ासन थाना बिरनो जनपद गाजी के द्वारा गाजीपुर के द्वारा क्रमशः ट्रक बोलेरो की तस्करी से तस्कर कर ले जाते हुए 21 राशि गोवंश पशुओं की बरामदगी करते हुए चालान कर जेल भेज दिया है।